इंजीनियर साहब के नज़दीक कलमा गो मुशरिक काफिर नहीं होता, क्या ये दुरुस्त बात है? क्या मुसलमान और मुशरिक के अलावा भी कोई तीसरी किस्म है जिसे कलमा गो मुशरिक कहते हैं? भाई अगर अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक करता है तो चाहे वो हज़ार दफ़ा बल कलमा पढ़े फिर वो इस्लाम से, फिर भी वो इस्लाम से खारिज। लेकिन शिर्क वाज़े लफ्ज़ों में होना चाहिए, ऐसी बात ना हो कि तावील करता हो, घुमा देता हो बात को, बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ऐसी कुफरी बात करेगा तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्या इमाम को सिरी नमाज की तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए? क्योंकि अक्सर हनफी अइमा नहीं पढ़ने के कायल, क्या नमाज हो जाएगी फातिहा पढ़े बगैर? कुरान हदीस की रोशनी में वजाहत फरमाए, तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा लाजिम नहीं है। हदीस में आता है ला सलाता लिमन लम यक्रा बिफातिहतिल किताब, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो हर रकत में फातिहा पढ़ने का हुक्म नहीं है, नमाज में फातिहा पढ़ने का हुक्म है। इसी वजह से इमाम मालिक का मजहब है कि पहली रकत में सिर्फ वाजिब है, बाकी तीन रकतों में लाजिम नहीं है। लेकिन हनफिया ने एहतियात के पहलू को तरजीह दी कि सफर में आखिरी दो रकतें साकित होती हैं, पहली दो साकित नहीं होती, तो इसका मतलब पहली दो ये जोड़ी हैं, तो इसलिए दूसरी को पहली पर कयास करके एहतियातन क्या कर दिया, वाजिब कर दिया। बाकी रहा यह मसला कि हदीस में जब आता है फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती तो फिर मुक्तदियों को भी पढ़ना जरूरी है, तो हदीस में पूरी हदीस सही मुस्लिम की है, मल्लम यकरा बिफातिहतिल किताबी फसाइदा, जो फातिहा और आगे सूरत नहीं मिलाता उसकी नमाज नहीं होती। तो पता ये चला ये इमाम और मुनफरिद के बारे में, क्योंकि मुख्तदी की तो सूरत मिलाने का कोई भी कायल नहीं है, समझ रहे? तो जैसे आखिरी दो रकतों में सूरत मिलाना वाजिब नहीं है, तो ऐसे ही आखिरी दो रकतों में फातिहा पढ़ना भी वाजिब, फर्ज की नवाफिल या सुन्नत की नहीं, फर्ज की आखिरी दो रकतों में फातिहा पढ़ना भी वाजिब नहीं, पढ़ना बेहतर है भारत में।